तो शुरू करते हैं बनाना स्पेशल गुजराती इडड़ा। तो एक कटोरी लेंगे हम चावल की और एक तिहाई कटोरी लेंगे हम उड़द की सफ़ेद दाल। दोस्तों मैंने एक ही कटोरी का यूज़ किया है तो सारी नाप मैं उसी से रखूँगी और वही कटोरी हम लेंगे एक चौथाई पोहे की, जिसको हम चिवड़ा भी कहते हैं और चंगाली भी कहते हैं। तो एक कटोरी चावल के साथ एक तिहाई दाल भी और एक चौथाई पोहा हुआ। अब सब में हम पानी डालेंगे पहले थोड़ा थोड़ा। तो लीजिए सब में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरीके से धोएंगे। तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से धो के और साफ पानी में रखना है। तो लीजिए साफ पानी में मैंने सारी चीज़ें रखी है। अब तीनों चीज़ों को हम ढक्कन लगा के रखते हैं 8 घंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाएं। तो 8 घंटे हो गए हैं, देख लेते हैं। तो देखिए पोहे भी हमारे फूल गए हैं। अभी मैं चम्मच से दिखाती हूँ, जो हमने इसमें वो सारा पोहे ने एब्जॉर्ब कर लिया है और दाल भी देखिए फूल गई है। और चावल भी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। तो चलिए सबको थोड़ा थोड़ा करके पीस लेते हैं। तो मिक्सी के जार में डालेंगे पहले दाल, दाल के थोड़ी में पानी के साथ ही डाल रही हूं। अब डालेंगे चावल। तो चलिए चावल भी डालती है। तो दाल और चावल को ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए दाल और चावल ग्राइंड हो गए। अब इसमें बचे हुए दाल चावल हम फिर डालेंगे। चावल भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों जो जो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी था उसी पानी का मैं यूज़ करके दोनों का पेस्ट बनाया है। तो देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से पिस गई। अब भी ये दरबरी लग रही है। अब इसमें डालेंगे हम पोहे और पोहे डाल के हम फिर ग्राइंड करेंगे इन चीज़ों को। दोस्तों इडड़ा बनाने का प्रोसेस यही है कि आप हर बार थोड़ी थोड़ी चीज़ डालें और ग्राइंड करें। जितनी बार ये ग्राइंड होगा उतना इडड़ा अच्छा बनेगा। तो सारी चीज़ें देखिए ग्राइंड हो गई। अभी भी बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो 2 चम्मच मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ। नॉर्मल चम्मच मैंने पानी के डाले हैं इसमें 2, फिर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हो गया, मैं दिखाती हूँ। देखिए एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार है। हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको बाउल में। बैटर एकदम इडड़े का बहुत ही बढ़िया सा तैयार है। अब इसको हम वापस ढक के रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए ताकि इसमें अच्छे से खमीर आ जाए। तो लीजिए 8 घंटे हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से खमीर आ गया है। थोड़ा सा ऊपर से लेयर हटा के देखते हैं तो नीचे एकदम जाली दिख रही है। ये देखिए खमीर की बनी हुई जाली है। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से खमीर आ गया है। हमें ऐसा ही इडड़े का बैटर चाहिए। अब इसमें मिलाएंगे हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़े से लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और डालेंगे 1.5 कप पानी का। फ्लेम रखेंगे कम। जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम थाली को भी ग्रीस कर लेते हैं। तो थाली को हमें अच्छे से कुकिंग ऑयल से ग्रीस करना है ताकि इडड़ा इसमें चिपके ना।
और जब हम इसको निकालें इडड़े को थाली में से, तो बहुत बढ़िया तरीके से निकल आए। और इडड़े के बैटर को भी अब मिक्स कर लेते हैं। तो जो ग्रीस करी हुई थाली है उसमें इडड़े वाला बैटर डाल लेते हैं। दोस्तों इस इडड़े को मैं दो थाली में बनाऊंगी, एक थाली में मैंने थोड़ा ज़्यादा बैटर डाला है और एक थाली में पतला इडड़ा बनाऊंगी। तो लीजिए पानी गर्म हो गया, फ्लेम कम है, तो इडड़े का जो बैटर हमने थाली में डाला था वो रख लेते हैं कढ़ाई में और लगाएंगे ऊपर से ढक्कन। तो 10 मिनट में ही अच्छे से स्टीम हो जाएगा। ये बचा हुआ बैटर है इसको भी हम थाली में डालेंगे। तो इसको 5 मिनट बाद हम खोल लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, खोल लेते हैं इसको। अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, तो चौथाई चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर इसमें डाला है। अब वापस इसको हम ढक के रखेंगे, 5 मिनट इसको और रखेंगे। 5 मिनट में ये बन के बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। ये देखिए उंगली से टच करके देखा मैंने, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब मैं सिलाई से भी आपको दिखाती हूँ, देखिए सिलाई भी डाल के देखी, बढ़िया तरीके से स्टीम हो गया है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो इडड़ा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम कढ़ाई को उतार लेते हैं, गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इडड़े को ठंडा होने देते हैं। तो इडड़ा ये ठंडा हो गया है, इसको निकाल के रख लेते हैं। अब जो बचा हुआ बैटर था वो हम दूसरी थाली में डालेंगे और ये इडड़ा मैं पतला बनाऊंगी। मैंने इडड़ा दो तरीके से बताया आपको, एक थोड़ा मोटा वाला और एक थोड़ा पतला वाला। आपको जैसा पसंद हो वैसा रखें। तो वापस कढ़ाई रखेंगे गैस पे, फ्लेम करेंगे लो टू मीडियम। पानी को पहले गर्म होने देंगे। तो लीजिए पानी गर्म हो गया, अब थाली रख लेते हैं और इसमें भी हम थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च से गार्निश करेंगे। अब फ्लेम करेंगे कम और इसको भी ढक के रखेंगे और 10 मिनट में ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। तो देखिए ये दूसरी थाली वाला इडड़ा भी बन के तैयार है। इसमें भी सिलाई लगा के देखते हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके और इसको भी ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए दोनों ठंडे हो गए हैं, अब इनके हम पीसेस कर लेते हैं। तो पहले जो पतला इडड़ा था पहले मैं उसके पीस कर लेती हूँ। तो लीजिए हो गए इसके पीस। अब जो थोड़ा मैंने मोटा रखा था उसके भी पीस कर लिए, देखिए कितना बढ़िया तरीके से पीसेस होने के बाद निकल आया। हमें ऐसा ही इडड़ा चाहिए। अब जो मोटा पीस था उसमें लगाएंगे हम कुकिंग ऑयल का तड़का। उस तड़के में मैंने कुछ नहीं डाला, केवल तेल का तड़का ही लगाऊंगी। बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। ये गुजरात की बहुत ही फेमस और स्पेशल डिश है इडड़ा। तो तेल का तड़का मैंने लगा दिया, गार्निश कर लेते हैं हरे धनिया से। और जिसमें मैंने लाल मिर्च डाले थे उसमें मैं राई और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। ये तो जब बिना तड़के भी आप खाएंगे तो तब भी अच्छा लगेगा, और तड़का लगा कर खाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। वो आपकी इच्छा है आप इसको कैसे खाते हैं। तो लीजिए राई भी चटकने लगी, हरी मिर्च भी डाल दी, तड़का तैयार है। तो उसको भी लगा लेते हैं इडड़े में। तो दोस्तों तैयार है गुजरात का स्पेशल इडड़ा, झटपट तैयार होने वाला। तो आप बनाइए, और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इडड़ा को। ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है और इतना सॉफ्ट होता है, आपको इसके साथ चटनी या टमाटो केचप की या किसी भी चटनी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार ज़रूर बना कर देखें
और खाएं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।